हेलो दोस्तों, आज आप सुनेंगे भाई दूज की कथा। दिवाली के बाद भाई दूज का त्योहार आता है, जो भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस साल भाई दूज का त्योहार 14 और 15 नवंबर दोनों दिन पड़ रहा है। इस दिन बहनें भाई की सलामती के लिए यमराज की पूजा करने के पश्चात भाई को तिलक लगाती हैं। भाई दूज की पूजा के दौरान भाई दूज की कथा सुनना बेहद महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है। इसीलिए भाई दूज पर सुने ये पौराणिक कथा। भाई दूज की कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया हैं। भगवान सूर्य और छाया के पुत्र और पुत्री हैं यमराज और यमुना जी। यमुना जी को अपने भाई से बड़ा लगाव था। वह उनसे बराबर निवेदन करती रहती कि अपने ईष्ट मित्रों के साथ आकर उनके घर भोजन करें। काम की व्यवस्था के चलते यमराज जी बहन की बात को टालते रहे। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर आने के लिए आमंत्रित कर वचनबद्ध कर दिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है, उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने स्नान कर पूजा करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भाई, आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक के लिए प्रस्थान किया। इसी दिन से भाई दूज के पर्व की परंपरा का आगाज हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो बहनें अपने भाई का आतिथ्य स्वीकार करके उन्हें यमराज का भय नहीं रहता, इसलिए भैया दूज के दिन यमराज तथा यमुना जी का पूजन किया जाता है। धन्यवाद।